इलेक्शन में आके बोल रहे हैं, शाबाशी दे रहे हैं झारखंड गवर्नमेंट को, झारखंड सरकार को शाबाशी दे रहे हैं कि कोरोना काल में भी जब देश का 6.5 पर कैपिटल इनकम था तो झारखंड में 5.5 था। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि गवर्नर खुद विधानसभा पटल पर अपने अभिभाषण में सरकार को आप पीठ थपथपाने का काम कर रहे हैं। बीजेपी का तो काम ही है उलझुल बोलना, लोगों को भरवाना, वो करवा रहे हैं। सिलेंडर के दाम में बहुत मतलब ये तो हम लोग आज से नहीं, जब से मोदी गवर्नमेंट आई है तब से बोल रहे हैं। स्मृति ईरानी जी 400 सिलेंडर, जब 400 रुपये सिलेंडर था तब चिल्ला रही थी, आज हर दो महीना तीन महीना पे सिलेंडर के दाम बढ़ रहे हैं। आज सिलेंडर में घरेलू सिलेंडर 50 रुपये और कमर्शियल सिलेंडर 350 रुपये बढ़ गया। अब बताइए व्यापारी कहाँ जाएंगे जब दिवाली होली के टाइम में व्यापारियों को अपना स्टॉल लगाना होता है, अपनी मिठाइयाँ बेचनी होती है, अपना कारोबार करना होता है, तो व्यापारी कहाँ जाएंगे? 350 रुपया जब सिलेंडर का दाम बढ़ेगा तो हर चीज़ में दाम बढ़ेगा, तो लोग अपना होली कैसे मना पाएंगे? आम सिलेंडर पे भी बढ़ा। सर हमारी सरकार में 1300 ANM कर्मियों को परमानेंट करने का काम किया गया था और हमारी सरकार वापस ANM कर्मियों को हेमंत सोरेन के नेतृत्व में परमानेंट करेगी। देखिए 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 डॉक्टर हड़ताल पर गए हैं, ये निश्चित तौर पर जहाँ पॉपुलेशन बढ़ता है, जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ता है, वहाँ पे शिक्षा और स्वास्थ्य में भी हम लोग को अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने की ज़रूरत होती है। निश्चित तौर पर सरकार को इसको गंभीरता से लेना चाहिए और जो भी चीज़ें हैं इसको बैठ के, जैसे पारा शिक्षकों को बैठ कर हल किया गया है, वैसे ही इनका भी हल किया जाए। सर्वे रिपोर्ट जो है वो जारी कर दिया गया है, नियोजन नीति को लेकर जो सर्वे किया जा रहा था, और 73% अभ्यर्थी आप लोगों के साथ है 2016 से पहले वाली नीति को लेकर के, क्या कुछ कही उसमें? देखिए ये तो एक सरकार के कुशल नेतृत्व का परिचय है कि सरकार अपने डिसीजन को थोपने का काम नहीं कर रही है। सरकार सर्वे करा के जो छात्र चाह रहे हैं, जो यहाँ की जनता चाह रही है, उसको लागू करने के लिए सरकार तत्पर है। तो मैं समझता हूँ सरकार का पीठ थपथपाना चाहिए, क्योंकि विपक्ष तो हर चीज को फर्जी बताएगा। विपक्ष के कहने पे तो हम नहीं चलते हैं, विपक्ष के कहने पे चलते हैं तो 4 उपचुनाव नहीं जीतते, 5वां उपचुनाव जीतने नहीं जा रहे हो। कंपनी का नाम रिवील कर चली, वो कंपनी ने भी होना चाहिए था जब अभी जो नियोजन नीति लाई गई जो खारिज हुई। देखिए हर चीज को करने से ही कुछ सीख मिलती है। पहले नियोजन नीति की भेजा गया नौमी अनुसूची में, गवर्नर ने उसको वापस किया, उससे हम लोगों को सीख मिला कि गवर्नर की मंशा अगर खराब हो उसके बाद भी जनता के प्रति अपना विश्वास कायम करते हुए कैसे काम करना है, उसी ने सर्वे कराएगी। इस नए साल में भी हमारा साथ होगा, दिलों में वही विश्वास होगा, है हमारा वादा, अब बनाए इंडिया को मजबूत ज्यादा। विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर।